आज का वीडियो पुनः बनाया जा रहा है। कल के वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का यानी कि पहला प्रश्नावली का थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग क्लियर किए थे। उस थ्योरी में यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग कल पढ़े थे। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इतना हम लोग कल के वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। यानी कि आज का हम लोग का थ्योरी रहेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, लिखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यानी कि देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि बड़ा वाला आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे यानी कि 3/5, रूट में 15, 16, 1/2 इत्यादि, ये सब के सब क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या है। यानी कि इसमें देखो क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिक्स है। यानी परिभाषा क्या हो रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यानी कि भाज्य संख्या बहुत फेमस टॉपिक है। यानी कि भाज्य संख्या और एक आता है अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वह संख्या जिसका यानी वह संख्या जो केवल अपने आप से या एक से कटता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो स्वयं से कटे और साथ ही साथ केवल एक से कटे तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11 ETC, यानी कि ETC, यानी कि ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो ये 2 केवल अपने आप से कटेगा और एक से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। फिर इसी प्रकार को 3 को लेते हैं तो 3 स्वयं यानी कि अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। इसके साथ 5 एक से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा। इस तरह से ये जो भी संख्या लिखा गया है सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम लेते हैं कोई लड़का बोलेगा सर 9, तो 9 तो 9 नहीं है, अभाज्य संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है सर, अभाज्य संख्या ये नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो बाबू ये 3 से भी कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से। परिभाषा क्या बोल रहा है अभाज्य का, यानी वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए यह 3 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी उठता है, सम अभाज्य संख्या क्या चीज, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ध्यान देना बच्चे, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या 2 होता है, एकलौता यही 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। इस प्रकार से याद रखना होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि हम अनंत हो सकता है, यानी कि निकालो इम्पॉसिबल है, निकाला जा सकता है यानी निकाल सकते हो लेकिन फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि भाज्य संख्या, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो यानी कि अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं, यानी स्वयं अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में यानी कि 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया इत्यादि इटीसी। यानी कि देखो अपने आप से तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब जो स्वयं यानी स्वयं से कटे और किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, यानी कि दसवां क्लास में पहला अध्याय का यानी कि हम लोग का मेन टॉपिक है कौन सा टॉपिक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही हम लोग का मेन टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो नाइन्थ क्लास का रिवीजन था, यानी नाइन्थ क्लास में थ्योरी था लेकिन इसमें जरूरत पड़ता है इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉल सबको बता दिए। हाँ, वास्तविक संख्या है, इसमें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये हम सब पढ़ लिए हैं। अब आते हैं हम लोग यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यानी कि अब देखो जहां यानी कि a लेस देन इक्वल टू सॉरी a ग्रेटर देन इक्वल टू जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सवाल आएगा कि सर कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि हम लोग HCF यानी कि मसौ हम इसका प्रयोग कहां करेंगे, तो HCF ज्ञात करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब कहेगा सर हम लोग तो HCF तो पढ़े हैं बचपन में, तो पढ़े हैं विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अब दसवां क्लास में यानी कि वो तो सीखे हो लेकिन अब नया हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना होगा। एक विधि ये, एक पहले से ऑलरेडी सीखे हो और एक और विधि है जो कि वो भी सीखे हो। ठीक है, नया में नया यही है। ठीक है, तो अब सवाल है कि सर कैसे बनेगा, तो आगे अभी बताएंगे। ठीक है, अभी इसको समझना होगा, ए बराबर बी की प्लस आर, ए यानी कि देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे यानी बचपन में, पढ़े थे फॉर्मूला यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इसी यही फॉर्मूला है, यहाँ पर यही है जो कि ए क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यानी यही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है यानी कि इसको हमको याद रखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब कैसे सवाल है, हाँ इस चीज को समझना होगा, यानी कि ए जो है भाज्य है, बी जो है भाजक है, और क्यू जो है भागफल, और आर जो है शेषफल। आर का मान हमेशा, इसका अर्थ क्या हुआ, आर का मान हमेशा ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आर का मान यानी कि जो यहां पर शेषफल का मान आएगा वो हमेशा
या तो जीरो के बराबर रहेगा या जीरो से बड़ा, छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन यहां पर जो बी के जगह जो मान आएगा यानी बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी इसको अब याद रखना होगा, इसी पर हम लोग चलेंगे अब प्रश्नावली पर, इसी यही फॉर्मूला लगाकर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली यानी 1.1 शुरुआत करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली देखो, पहला सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जो कि 3 क्वेश्चन दिया गया है, हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम पढ़े हैं क्या होता है, तो ए बराबर बी की प्लस आर। अब सवाल है कि सर ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे, क्यू क्या है, आर क्या है। तो देखो बाबू, दिए गए संख्या में जो सबसे बड़ा होगा वो ए का मान होगा, और जो छोटा होगा वो हमेशा क्या चीज का काम करेगा, बी का काम करेगा, ठीक है। तो देखो यानी कि ए के जगह पर ए का मान रखें, बी के जगह पर यानी बी का मान रखें। अब सवाल है कि क्यू कहां से खोजेंगे सर, तो क्यू अपने मन से खोजना है, कैसे खोजेंगे, तो देखो बाबू एन की भागा देंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम भागा देंगे, देखो एकदम बच्चा क्लास वाला भागा देते हैं, यानी कि 135 में यानी कि 225 में कितने से भागा करें, कि या तो पूरा पूरा कर देंगे तो उसे कम, तो एक बार में 200 यानी कि 135 यानी कि 0 9। तो देखो बाबू ये जो भागफल है, बोले ना कि क्यू जो है भागफल का काम करता है, तो वन आया तो भागफल, और जो शेषफल बचता है वहां पर यानी कि शेषफल के जगह पर लिख देंगे। अब देखो ये कब तक क्रिया करते रहना है, जब तक कि आर का मान 0 हो ना जाए तब तक, यानी कि करते रहना है कब तक, जब तक कि आर का मान 0 हो ना जाए तब तक। तो देखो पुनः ए का मान, अब देखो फिर उसमें जो बी का मान होगा, जो बी का मान बनकर आया ना वो ए बन जाएगा, और जो आर था वो क्या बन जाएगा, बी। तो देखो पुनः फॉर्मूला लगा, ए बराबर बी की प्लस आर, तो ए के जगह 135, बी के जगह पर यानी कि 90, फिर वही फंडा अपनाएंगे, भागा देंगे यानी कि बी से ए में भागा देंगे तो भागफल आएगा, तो भागफल के जगह पर, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल के यानी कि आर के जगह पर लिख दिए, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो पुनः हम आगे बढ़ेंगे, पुनः अब ए का मान क्या होगा, तो जो बी के जगह पर आता है वो ए बन जाता है, और जो आर आता है वो क्या बन जाता है, बी। तो देखो ए का मान 90, बी का मान 45, पुनः लगा दिए ए बराबर बी की प्लस आर। अब देखो ए के जगह पर रखे 90, बी के जगह पर यानी क्या 45, अब यानी कि 45 से 90 में कितने बार में यानी कि भागाते हैं, कि 90 आ जाए तो उसे कम, तो दो बार भागा तो है, गुना करो तो 45 गुना के 90 शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल 0 हो गया, इसलिए एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या होगा, तो जिस स्टेप में यानी जिस स्टेप में हम लोग का शेषफल 0 होता है, उसी स्टेप में जो बी का मान होता है, जो बी का मान होता है वही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी जो बी के रूप में जहां पर शेषफल 0 हुआ उसी में का जो बी के रूप में आता है वही हम लोग का क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, आंसर यानी कि एचसीएफ बराबर 45, ठीक है। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हमेशा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर 3 संख्या दे देगा तब ये काम नहीं कर पाएगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हमेशा कितने संख्याओं पर काम करेगा, 2 संख्याओं पर काम करता है। तो इसमें का एक सवाल हम बता दिए, आगे का इसमें और 2 सवाल है, तुम लोग आगे बनाओगे, नहीं बनेगा तो क्लास शुरू होगा तो उसमें हम बताएंगे, और नहीं तो कमेंट में लिख के भेजना, हम बना के सेंड कर देंगे, ठीक है। आगे हम सवाल दूसरा पर जाते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। देखो विषम पूर्णांक बोला है, विषम यानी कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम
मान ली माना विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a। अब देखो चूंकि a बराबर यूक्लिड विभाजन पर मेगा से a बराबर हम क्या पढ़ते हैं bq प्लस r पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ध्यान देना बाबू ये जो है ये कहां पर दे रहा है, फिर मैच करा तो a की जगह a b की जगह पर 6 दे रहा है, सब में देखो b की जगह पे इसको a बराबर 6q+1 या a बराबर 6q+3 लिख सकते हैं या a बराबर 6q+5 लिख सकते हैं, तो हमेशा b की जगह पर क्या आ रहा है यानी कि 6 दे रहा है, तो हम देखो क्या लिखे हैं a तथा b, a तथा b बराबर 6 का प्रयोग युक्लिड विभाजन प्रमेयता में करने पर क्या, तो यानी कि b की जगह पर क्या मिला है 6, तो हम कह सकते हैं कि जो शेषफल इसका आएगा यानी r जो क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। तो देखो यानी कि शेषफल होगा जो g यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन लेकिन हमेशा यानी कि 6 से क्या होगा छोटा। यहां पर हमको क्लियर पता चल गया कि जो इसमें यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या में जो शेषफल बचेगा वो हमेशा 6 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो संभावित शेषफल हम लोग का क्या हो सकता है, तो 0 या 6 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा बोला है, यानी क्या बोला है 0 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन 6, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो ये या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4 या 5। तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जबकि 6q+0 या 6q+2 या 6q+4 के रूप में नहीं होता है, क्योंकि ये 2, 0, 2, 4 ये क्या है सम संख्या, क्योंकि 2 से क्या होता है विभाज्य होता है। हमसे क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो यानी कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल पर हम चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो अवसर जो क्वेश्चन यानी कि 616 वाली एक सेना की टुकड़ी है, 616 को सेना का एक टुकड़ा अलग से है, ठीक है, और 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड जो की परेड रेट में बैंड वाले बजाता है, ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब लाइन जो होगा ऐसे जो लगेगा वो समान होना चाहिए, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होगा, अधिकतम यानी कितना सदस्यों का लाइन बनाया जाए कि वो समान हो जाए, ठीक है। तो देखो इस टाइप का कुछ नहीं बाबू, अधिकतम अगर आ गया शब्द, अधिकतम शब्द अगर आ गया तो सीधा क्या निकाल देना है एचसीएफ निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो हमको अधिकतम पूछा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो देखो 616 का यानी 616 है जो है आर्मी का जवान है, फिर 32 जो है आर्मी का जवान ही है लेकिन वो क्या बैंड बाजा के साथ, क्योंकि देखे हो यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन, ठीक है, तो यानी कि हम क्या निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ, तो कौन सा प्रयोग, तो यहां पर देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं बोला है, भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम अभी अभी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो अब हम बोले क्या कि ए का मान कौन होगा बी का मान कौन होगा, तो हम बोले ना कि जो बड़ा होगा ए का मान और जो उससे छोटा होगा बी का मान, तो ए का मान 616 बी का मान यानी कि 32, तो ए के जगह पर देखो रख दिए 616, बी के जगह पर यानी कि रख दिए 32, अब यानी कि इसमें देखो भागा करना है, यानी सीधा कर ऐसे बोले कि 32 में कितने से गुणा किया जाए कि 616 आ जाए नहीं तो उसे कम, तो देखो यानी कि भागा देने पर 19 बार में भागा देने पर 32 से 19 बार में भागा दे रहे हैं तो 8 शेषफल बच जा रहा है, यानी भागफल शेषफल। अब देखो अभी शेषफल क्रिया कब तक करना है, जब तक कि r का मान शेषफल होना जाए तब तक, तो अभी आगे और बढ़ना है, तो a का मान अब पुनः a का मान तो जो b के रूप में है वो क्या बन जाता है a,
जो R है वो क्या बन जाता है B। तो देखो यानी A बराबर 32 और जो B B बराबर यानी कि R। तो फिर अगला स्टेप में A के जगह पर 32 और B के जगह पर R। अब फिर देखो R से कितने किसमें भागा देने यानी किससे गुणा करें कि वो शेषफल जीरो हो जाए, नहीं तो शेषफल कुछ बचे। तो 8 × 32 यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है, 8 × 32 शेषफल क्या हो गया जीरो। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जहां शेषफल जीरो वहीं पर जो बी का मान होता है वो क्या हो जाता है यानी कि एचसीएफ होता है। तो हमसे एचसीएफ नहीं पूछा, हमसे अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। तो हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे जवाब देना चाहिए हम लोग का आंसर, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा तो 8 होगा। अगला सवाल को पढ़ते हैं। माना क्वेश्चन बोल रहा है विपरीत विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर करने पर किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए ठीक है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो अब कैसे सवाल बनेगा ठीक है, विभेद क्वेश्चन है इस टाइप का। एक और है जो कि यहाँ पर वर्ग बोला है और अगला क्वेश्चन क्या बोला है घन यानी कि क्यूब, तो यानी कि बच्चे लोग बनाएगा ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 3q या x बराबर 3q+1 या x बराबर हम लिख सकते हैं 3q+2 इत्यादि आगे इसी तरह ठीक है। तो देखो हम यानी कि हम इसको लिखते हैं 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग का सवाल इतना ही बन जाएगा, एक कदम आगे बढ़ गए और बढ़ने का मन होगा बढ़ सकते हैं यानी कि 3q+3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग का सवाल यहीं से बन जाएगा। देखो वर्ग करने पर बोला है वर्ग, तो देखो वर्ग करने पर वर्ग बोला है इसलिए वर्ग कर रहे हैं, अगर यही घन बोलेगा अगला क्वेश्चन घन में है तो उसका क्या करना होगा घन। तो देखो बाबू यानी वर्ग करने पर तो देखो इसका घन वर्ग किए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वर्ग का मतलब उसी में तो वर्ग होना, तो 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग स्क्वायर तीन उसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 3 क्यूब का स्क्वायर यानी फिर गुणा करने पर यही आ जाएगा। अब इसको देखो लिखने के बाद माना m बराबर m इतना हम क्या मानेंगे इतना बराबर हम क्या मानिए m यानी m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर। अब इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि इसका मान क्या मान चुके हैं m, तो ये 3m हो गया। पुनः इसी प्रकार से वर्ग करने पर तो अब इसमें वर्ग करेंगे तो देखो 3q+1 तो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे ए फॉर्मूला पर जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखते हैं a+b² क्या होता है a² + 2ab + b² या ऐसे भी बोला जाता है a² + b² + 2ab ठीक है। तो हम उसी पर इसको सजा दी तो ए का मान ये बी का मान तो a² + 2ab + b² ठीक है। तो अब देखो इसका स्क्वायर किए तो 3q² यानी 9q² 3 × 6 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब देखो इस दोनों में से कॉमन कुछ निकल रहा है, इन दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन क्या तो 3 कॉमन निकालिए। कॉमन का मतलब कि पूरा पूरा यानी कि जिससे भागा दोनों में लग रहा है उसको कॉमन बोला जाता है वैनी। तो 3 से देखो इसमें भागा लग रहा है 3 बार में, फिर 3 से इसमें भागा लग रहा है 2 बार में, तो देखो 3 कॉमन निकालिए यानी कि ये क्या बच गया 3q² + 2q आई प्लस 1। अब इतना को देखो अब क्या मान लिए इसको, इसको मान लिए m यानी इतना को देखो लिखे माना m बराबर 3q² + 2q। तो अब देखो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए m, तो ये क्या हो गया यानी 3m+1 मतलब इसको क्या मान चुके हैं हम m ना, इसलिए m लिखा गया। अतः इसका धनात्मक वर्ग करने पर 3m या 3m+1 से विभाज्य होता है ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यानी कि इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ, यानी इसमें का एक सवाल और है जो कि पांचवा इसी टाइप पर एकदम सेम इसी पर है, बस इसमें क्या था वर्ग उसमें क्या बोलेगा घन, तो उसको बनाएगा नहीं बनेगा फिर हम उसको बताएंगे ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स।